तो प्रॉब्लम ही हो गया। अंगड़ी जो कि कश्मीर में काफी फेमस है, बाकी थोड़ा ड्रेस सब बहुत नाइस है भाई। ये देख सकते हो आप लाल चौक, गाड़ी में टक्कर ठोक दी। पराई जगह पे कभी लड़ना भी नहीं चाहिए। आप इस तरह की बोर्ड लेके यहाँ पे घूम भी सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहलगाम। एंड मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है, गला बिल्कुल बैठ गया है, आवाज नहीं निकल रही है, तो मैं धीरे धीरे ये ब्लॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आज मैं प्लान कर रहा हूँ श्रीनगर जाने का, यार 100 डे चैलेंज है, इसलिए बीमार हालत में भी टैबलेट खा के वीडियो बनाएंगे। ऐसे तो क्या रहता है कि चैलेंज नहीं तोड़ना, किसी भी तरीके से नहीं तोड़ना है। अभी मेरी देखो मॉर्निंग टी आ गई है, दोपहर के करीब 12 बज गए हैं, निकलते हुए बहुत लेट हो गया। मैं ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ श्रीनगर तक जाऊंगा, श्रीनगर को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ से निकलते हैं। एवरीबॉडी गाड़ी में बैठ गया हूँ, सारा सामान पैक कर लिया, आज कपड़े कुछ ज्यादा ही पहन रहा हूँ। जब ज्यादा ठंडी होगी तो कैप भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी निकलते हैं यहाँ से। एवरीबॉडी मैं अभी पहुंच गया हूँ अनंतनाग में, इधर थोड़ा सा महिंद्रा में रुकते हैं, इसकी गाड़ी के 2 नट गिर गए हैं, वो डलवाएंगे। 5-6 किलोमीटर दूर है यहाँ पे महिंद्रा का शोरूम नियर बाई। वाइल्ड क्राफ्ट यहाँ से कुछ गर्म ट्राउजर देखने थे, बट यार कॉटन के ही ऑप्शन है, ज्यादा बड़े ऑप्शन नहीं मिले मेरे को अनंतनाग में। तो इसके सामने जस्ट वहाँ पे कोलंबिया का भी है, एक बार वो भी चेक करके आते हैं। कोलंबिया का शोरूम था यहाँ पे, कोलंबिया में भी एक ही ट्राउजर था, कुछ बढ़िया सा नहीं मिला यार। एंड कोलंबिया इज ऑल्सो टू मच एक्सपेंसिव। तो मैं हूँ अनंतनाग में महिंद्रा पे, लेकिन महिंद्रा का स्टोर तो यहाँ पे बंद पड़ा है, तो ये तो प्रॉब्लम ही हो गया। अभी क्या ही कर सकते हैं। ट्रेंड में इधर भी ज़्यादा गर्म ऑप्शन अपने को नहीं मिले हैं, गर्म कपड़ों की बहुत नीड है। इसके सामने एक मेडिकल है, वहाँ से पहले मेडिसिन लेते हैं गले की, कुछ तो इलाज करना पड़ेगा इसका, बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं, ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से। मेडिसिन लेने के लिए आए हैं एंड डॉक्टर साहब से दवाई ली है। अभी आज का स्टे श्रीनगर का रखना है, बिकॉज तबीयत जब तक ठीक नहीं होगी तब तक आगे नहीं जा सकते हैं। यहाँ की मार्केट देखो कितनी प्यारी है, छोटी सी मार्केट, मतलब ऐसी जगह आके अच्छा लगता है यार। देखो कितना खूबसूरत, सिनेमैटिक वीडियोस के भी कभी देखे होते हैं ना, इनके अंदर पत्ते गिरे रहते हैं ऐसे खेत आगे, और ऐसी लोकेशन मेरे को देखना, मतलब बहुत टाइम से मेरे मन में थी कि कोई ऐसी जगह है कि तो मैं अंदर जाके थोड़ा शॉट लेके आऊंगा। एंड अभी अपने गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और ये देखो क्या नजारे है यार, कश्मीर तो कश्मीर है। निकल पहलगाम के, मैं कह रहा हूँ कैमरा बिल्कुल भी जज नहीं कर सकता इस ब्यूटी को, बिल्कुल भी जज नहीं कर सकता, ये ब्यूटी तो सुपर डुपर अमेजिंग है। अपनी थार खड़ी है रोड के किनारे पे, एंड ये गुरुद्वारे की लैंड मिली है यहाँ, इन्होंने चाय के लिए बोल दिया तो रुक गए हैं। अंगड़ी जो कि कश्मीर में काफी फेमस है, इसमें आग रखी जाती है, इसके अंदर ये मिट्टी का बना हुआ आप देख सकते हैं, एंड बाहर बड़ी अच्छी लकड़ी का यूज हुआ है। आप वीरा, अपना वीरे अपना नाम किया? मेरा नाम अमरजीत, अमरजीत सिंह भाई। ते भाई ने बड़ा वधिया इत्थे अपन नूं चाह पियाई, हुण कश्मीरी कहवा भी बना के देणगे जिहड़ा अपन नाल कैरी करांगे। कश्मीर दी कांगड़ी। अच्छा जी, ए बारे कुछ और बोलना चाहोगे? ए नाल असी फरने भी पाने आ, हां ते सानू सुकून मिलता है। अच्छा, गर्मी थोड़ी जी साड़े जिस्म नू लगदी है, ता कि असी और कोई काम कर सकते हैं। नहीं भाई, आ जड़ा तुसी पोशाक पाई है, एनु की कहंदे है? एनु कहंदे ने फरना। फरना आओ जी, ए टू इन वन दा काम देंदी है। अच्छा। मैं दसता हूं कि ए कोट दा काम ही देंदा। कश्मीर विच रह रहे हैं, ते साना बुजुर्ग भी जेड़े ओ भी बड़े पहले तो रह रहे ने इत्थे, ता सानू भी हो गया काफी टाइम रहने इत्थे, कि साड़ी भी कोई 28 साल एज है। ओके ओके, सानू भी 28 साल हो गए इत्थे रहण दा। भाई बहुत वधिया, बहुत नाइस, बाकी थोड़ा ड्रेस बहुत नाइस है भाई, बहुत ही वधिया, बाकी कश्मीरी भरा अपना। भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, और अभी हम यहाँ से निकलेंगे श्रीनगर के लिए। भाई ने कवा बना के दिया, और इसमें कवा एक्स्ट्रा डाल के भी दिया अपने गले के लिए। थैंक यू अमरजीत भाई। तो यहाँ पे हो रही है एंट्री, एंट्री करते हैं। जाएं सर।
ओके ओके थैंक यू। कहते एंट्री कोई नहीं है, जाओ आप। हम अभी श्रीनगर से करीब 10 किलोमीटर पहले से टैंक करवा रहे हैं फुल, आगे पता नहीं मार्केट में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, यहीं से करवा लें ठीक है। अच्छा आगे श्रीनगर में कॉस्टली रहेगा थोड़ा, तेल महंगा होगा श्रीनगर में, जैसे जैसे आगे जाएंगे महंगा होता जाएगा ना। ओके 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 ओके, अभी 86 है ना। बड़ी श्रीनगर में एंट्री हो चुकी है अपनी, एवरीबॉडी लाल चौक से जस्ट पहले, ये बत्ती है बहुत बड़ी, यहाँ से 500 मीटर दूर ही है लाल चौक, ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत ट्रैफिक जाम है, बाकी यार काफ़ी बड़ा शहर है श्रीनगर और इतना ही सुंदर है, बहुत जाम लगा भाई। इधर पार्किंग मिलेगी भी कि नहीं ये पता नहीं है, जगह है। और ये ऊपर की तरफ जो झंडा लहरा रहा है वो है इंडिया का फ्लैग, और ये देखो काफ़ी खूबसूरत जगह बनी हुई है, प्रॉपरली आप कह सकते हो जैसे मॉल रोड है उस तरीके का कंसेप्ट बना हुआ है यहाँ पे। ये देख सकते हो आप लाल चौक, ये लाल चौक की मार्केट है, एंड ये आपका अपना भाई दीप दास जो अभी पहुंचा हुआ है लाल चौक पे। मार्केट में श्रीनगर की हमने ये लोवर देखे हैं, ये वाले देखो, एक तो ये ले रहा हूँ, एक ये लाइट कलर, थोड़ा लोकल ट्राई करते हैं, गर्म तो रहेगा कम से कम। पार्किंग का बहुत गंदा इशू है अभी, जस्ट एक तो आगे वाले बाइकर ने पीछे करने के दौरान मेरे गाड़ी में टक्कर ठोक दी, एक पीछे वाला निकाल रहा था उसने टक्कर ठोक दी, और देखते देखते दो जनों ने मेरी आंखों के सामने मेरी नई गाड़ी को टक्कर ठोक दी। बट क्या लड़ना सही रहेगा? नहीं, यहाँ तो नहीं, पराई जगह पे कभी लड़ना भी नहीं चाहिए। लेफ्ट में आप देख पा रहे होंगे ये है डल लेक शुरू हो गई है, हम डल लेक की साइड ही कुछ टेक ऑप्शन देखते हैं, एंड शंकराचार्य मंदिर अभी बंद होने वाला है तो उधर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं डल लेक की तरफ। आप इस तरह की बोर्ड लेके यहाँ पे घूम भी सकते हो एंड स्टे भी कर सकते हो उस तरफ, इधर तो पूरा फोगी हो रहा है लेक में, डल लेक में की शिकारा बोट आप बुक करके इसमें घूम सकते हो। वो देखो कितने लोग अंदर अभी शेर सपाटे कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने भी किया था। अभी तो सबसे पहले रुकने का अरेंजमेंट करते हैं, वो बहुत जरूरी है। होटल में वो ऊपर वाला रूम मिला अपने को लेक के सामने, काफी अच्छा व्यू है घर पे, प्रॉपर्टी वाइज 3,500-4,000 रुपए रेट हो रखे हैं अभी। लुक एट द व्यू, लास्ट टाइम हम इसके अंदर मार्केट सब चीजें घूम के आए थे। देखो इसका भी अलग मजा है, इस बार थोड़ा तबीयत भी खराब है और मेरे को बोट में नहीं रहना, अकेले मजा नहीं आता इतने बड़े बोट में रहने में, फैमिली के साथ में जाओ तो ज्यादा मजा आता है। एंड ये देखो नजारे यहाँ के, एंड वो उधर आगे चल के हाउस बोट्स भी हैं। पहले हम करेंगे शंकराचार्य टेंपल को कवर एंड आसपास की चीजों को भी, क्योंकि लास्ट टाइम रह गया था मेरा लाल चौक भी रह गया था लास्ट टाइम, तो सब कुछ रह गया था, इस बार अच्छे से घूम के जाएंगे बढ़िया से। आपका अपना दीप ढहाल, काफी सुंदर रूम है एंड इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब गैलरी तो नहीं है एक टाइप से कह सकते हैं, बढ़िया व्यू है। और इस तरफ देखो द ब्यूटीफुल डल लेक, एंड इधर भी ये चीज़ें भी काफ़ी अच्छी है, एंड इसका वॉशरूम भी ठीक है यार, वॉशरूम भी अच्छा है। लुक एट दिस, इतने बढ़िया से व्यू के साथ में अपना देखो कितना शानदार सा छोटा सा रूम, बड़ा प्यारा रूम जो अपने को करीब आज 3,000 का पड़ा है। एंड आपको मैं इधर से नज़ारा दिखाता हूँ, पीछे से ये देखिए डल लेक का नज़ारा, काफी खूबसूरत नज़ारा है, थोड़ा कॉस्टली है बट ठीक है, एडजस्ट करना पड़ता है भाई ऐसी जगह पे आके। मैंने वहाँ कहीं स्टे किया था, वहाँ कहीं अभी क्या रात में आपको कैमरा बिल्कुल जज नहीं कर पाएगा यहाँ की ब्यूटी को। एंड अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए कृष्णा ढाबा करके, यहाँ पे या तो कृष्णा में खा लेंगे या कोई पंजाबी ढाबा या जो भी मिलेगा अपने को खा लेंगे, बस वेज चाहिए। एंड ये देखो कितना शानदार माहौल है यहाँ श्रीनगर में, आपको KFC पिज्ज़ा कोस्टा कॉफ़ी सब मिल जाएंगे एक जगह ही, यह बहुत बढ़िया चीज़ बन गई है यहाँ पे।